Good morning, student. Today I will start new chapter. Chapter number 5. The wind and the sun. Wind. Sun, can you see that man was walking down the road? Wind sun से कहता है कि क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो जो सड़क पर जा रहा है, रोड पर जा रहा है? I can get his coat off more quickly. मैं इसका कोट बहुत जल्दी उतरवा सकता हूँ. Then you can, जितना जल्दी तुम कर सकते हो, मतलब उसकी कोट को उतरवा सकते हो, उससे ज्यादा जल्दी मैं इस आदमी के कोट को उतरवा सकता हूँ. Sun smiled. सन क्या है? मुस्कुराता है. We will see who is stronger. अब सन उससे कहता है, किससे? विंड से, कि हम देखते हैं कि कौन हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब मजबूत है. I will let you try first. मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हें इस चीज को करने के लिए कहता हूँ, ठीक है? ये कौन कहता है? सन कहता है विंड से कि सबसे पहले तुम्हें मौका देता हूँ मैं करने के लिए. विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. अब विंड क्या करता है? अपने चीक्स को फैलाता है और फिर क्या करता है? ब्लोइंग हार्ड, बहुत तेज. ब्लोइंग का मतलब होता है चलना, बहुत तेज. और हार्ड का मतलब बहुत तेज, क्या है? चलती है हवा. क्या है? बहुत तेज चलती है. विंड का मतलब क्या होता है? हवा. तो हवा बहुत तेज चलती है. हु हु, ये क्या है? विंड की आवाज आती है, बहुत तेज चलती है. तो आपको भी पता है कि विंड की कैसी आवाज आती है, हु हु की आवाज आती है, वैसे ही विंड बहुत जोर से चलना स्टार्ट होती है. और उसकी वजह से उसकी आवाज कैसी होती है? हु हु की. मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. मैन कहता है, अब इन दोनों का तो हो गया सन और विंड का, अब क्या होता है? मैन. जैसे हवा बहुत तेज चलती है, मैन कहता है अपने आप से, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. आज इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे. ये इतनी तेज हवा मेरे कोट को मुझसे दूर ले जाएगी, मतलब मेरा कोट खुलवा देगी. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. मैं इसको क्या अपने चारों ओर बहुत ही टाइटली, बहुत ही मतलब टाइटली इसको पकड़ के अपने चारों ओर उसको ऐसे पकड़ लेता हूँ. जैसे हमने कुछ पहना हुआ होता है, अगर हमें ठंड लगती है या कुछ ठंड लगती है या बहुत तेज अगर हवा चलेगी और हवा की वजह से क्या कोट खुलने लग जाता है. लेकिन तो इसी तरीके से मैन उसको कहता है, उसका भी बहुत तेज हवा चलती है तो उसका कोट क्या उतरने लगता है. तो वो कहता है, अरे आज इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? मैं अपने कोट को टाइटली क्या कर लेता हूँ, अपने चारों ओर उसको पकड़ लेता हूँ टाइटली. विंड ब्लोइंग. अब क्या होता है? विंड ब्लोइंग हार्डर. विंड बहुत तेज चलती है, हु हु की आवाज आती है. मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. अब और ज्यादा तेज हवा चलती है तो जो मैन होता है वो क्या करता है? अपने कोट को बहुत टाइटली अपनी ओर खींचता है. हाउ कोल्ड इट इज. अरे इतनी ठंड हो रही है, वो कह रहा है हाउ कोल्ड इट इज. विंड सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. क्योंकि देखो तेज हवा चलती है तो वो तो कोट को क्या करता है, बहुत तेज पकड़ लेता है अपने ना. अब फिर विंड कहता है सन से, आई गिव अप, कि मैं हार मान रहा हूँ. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं इसका जो कोट है वो उतरवा नहीं सकता. सन, नाउ इट इज माई टर्न. अब सन कहता है कि चलो अब मेरा टर्न आता है, लेट्स मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ. ही शाइन्स हार्ड. अब वो क्या करता है? सन बहुत तेज शाइन, मतलब चमकता है, मतलब बहुत तेज से क्या है, जैसे धूप होती है ना बहुत तेज, वैसे जब शाइन करेगा सन तो बहुत तेज धूप होगी. तो क्या करता है, जब उसने हार मान ली थी विंड ने, तो सन क्या करता है? बहुत तेज, वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मेरा टर्न है, मैं बहुत तेज चमकता हूँ. मैन, व्हाट अ फनी डे. मैन कहता है, अरे क्या मजाक वाला दिन है आज, क्या मजाक हो गया है. इट वॉज सो कोल्ड. अभी तो पहले बहुत तेज ठंड थी. एंड हाउ इट इज सो हॉट. और अब इतनी गर्मी. सन शाइनिंग हार्डर. सन बहुत तेज से, हार्डर का मतलब बहुत तेज शाइन करता है, शाइन करेगा, चमकेगा, तो बहुत तेज धूप होगी. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर. मुझे बहुत ही ज्यादा, मैन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी सी फील हो रही है. मैन वाइपिंग हिज फेस. वाइपिंग का मतलब अपने फेस को पोंछते हुए. जब गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है, तो हम भी ऐसे करते हैं, पोंछते हैं किसी भी चीज से, या तो अपने हाथ से पोंछ लेते हैं या हैंकी होता है तो उससे पोंछते हैं. तो वैसे ही मैन अपने फेस को क्या करता है, वाइप का मतलब वही पोंछता है. आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, यानी मुझे अपना कोट खोलना पड़ेगा. सन, अब क्या है,
सन कहता है विन आई हैव वॉन, सन कहता है विन से कि मैं जीत गया, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने इसका कोट क्या कर दिया उतरवा दिया, तो लास्ट में कौन एंड में कौन विनर रहा, सन, क्योंकि सन ने उसका उस आदमी का कोट उतरवा दिया था, ठीक है। सो स्टार्ट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द मैन फील अबाउट द विंड, इसका मतलब है कि मैन ने क्या फील किया था विंड के लिए, विंड के लिए क्या फील किया था, फर्स्ट लाइन में है इसमें हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, द मैन फेल्ट, द मैन फेल्ट नहीं, द मैन फील्स हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, मैन क्या फील करता है कि आज इतनी तेज स्ट्रॉन्ग का मतलब आज इतनी तेज या ठंड क्यों, इतनी तेज हवा क्यों चल रही है। सेकेंड क्वेश्चन हु सेड हाउ इट इज माई टर्न लेट मी ट्राई, किसने कहा कि अब मेरा टर्न है अब मैं ट्राई करता हूँ, द सन सेड नाउ इट इज माई टर्न लेट मी ट्राई, कौन कहता है ये, सन कहता है, द सन सेड, बाकी क्वेश्चन में से एज इट इज। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन द मैन पुल्ड हिज कोट मोर टाइटली, जो मैन था उसने क्या किया अपने कोट को बहुत टाइटली पकड़ लिया, ठीक है, तो ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ इन द एफर्ट टू गेट द मैन्स कोट ऑफ द विंड स्टार्टेड, बहुत एफर्ट के बाद जो मैन का कोट जो था वो क्या है, द मैन्स कोट ऑफ द विंड स्टार्टेड, विंड ने क्या किया स्टार्ट क्या किया, स्माइलिंग करना, पफिंग हिज चीक्स, ब्लोइंग हार्डर एंड हार्डर, तो क्या किया उसने बहुत एफर्ट करने के बाद भी उसने क्या किया फिर वो और तेज चलने लग गई थी, ब्लोइंग हार्डर एंड हार्डर। फिफ्थ क्वेश्चन राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ कोल्ड फ्रॉम दिस पैसेज, कोल्ड का अपोजिट क्या होगा इसमें हॉट। नेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर हु ट्राइड फर्स्ट, किसने ट्राइड किया था फर्स्ट, सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी कॉम्पिटिशन, विंड, राइट आंसर इज विंड। सेकेंड क्वेश्चन हु वॉन इन द एंड, कौन जीता था एंड में, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये वर्ड किसने कहा था कि मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ, सबसे पहले तुम ट्राई करो, सन ने कहा था विंड से, तो सन एक साइड लिखोगे अब सन और दूसरे साइड लिखोगे विंड, सन सेड टू विंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हाउ कोल्ड इट इज, ये किसने कहा था, मैंने कहा था, मैन किससे किससे कहा था, उससे तो कहा था उसने कि अरे इतनी ठंड कैसे है, तो यहाँ पे क्या है मैन, एक स्टार्टिंग में जो स्पेस है उसमें लिखोगे आप मैन, एम ए एन मैन, और सेकंड में लिखोगे हिमसेल्फ, खुद से ही कहा था अपने आप से ही कहा था, तो मैन सेड टू हिमसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं हार मानता हूं मैं उसका कोट उतरवा नहीं सकता, तो ये किसने कहा था, विंड ने कहा था, विंड सेड टू सन। फोर्थ है आई हैव वॉन, ये किसने कहा था कि मैं जीत गया, सन ने कहा था विंड से, सन सेड टू विंड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन, एक दिन सन और विंड के बीच में क्या होता है कॉम्पिटिशन होता है, एंड दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, और वो क्या चाहते हैं तो वॉन्टेड आएगा इसमें, दे वॉन्टेड डब्ल्यू ए एन टी ई डी, दे वॉन्टेड क्या चाहते हैं वो, उसका कोट उतरवाना चाहते हैं। फर्स्ट द विंड डैश हार्ड, तो स्टार्टिंग में विंड ने फर्स्ट क्या हुआ, द विंड ब्लू हार्ट, बी एल ई डब्ल्यू ब्लू हार्ट, द मैन डैश हिज कोट टाइटली, उसने क्या किया मैंने अपने कोट को टाइटली पकड़ लिया, पुल्ड पी यू डबल एल ई डी पुल्ड। नेक्स्ट देन द सन डैश शाइनिंग हार्ट स्टार्टेड, एस टी ए आर टी ई डी स्टार्टेड शाइनिंग, बहुत तेज चमकना स्टार्ट कर लिया। The man felt इसमें क्या आएगा felt hot and he took, अब क्या आएगा took last वाले filling the blank में took आएगा of his coat। Next question answer question first what did the wind do to get the man's coat off, यानी इसका मतलब है wind ने आदमी का coat उतरवाने के लिए क्या किया, तो उसने क्या किया था उसका उतरवाने के लिए बहुत तेज हवा चलना start हो गई थी, है ना, यही तो किया था। ओके तो इसके आंसर मैं आपको वैसे भी अभी मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, इसके आंसर मैं आपको सेंड कर दूँ, ठीक है।